आज आपको इस वीडियो में हमारी देश के मीडिया के भ्रष्ट तंत्र के बारे में बताएंगे कि मीडिया किस तरह से बिक चुका है। दरअसल आपको पता है कि हमारे देश का जो मेनस्ट्रीम मीडिया है वो सत्ता की गोदी में जाके बैठ गया है, ये गोदी मीडिया है। जी हाँ दोस्तों, इनको देखिए, ये हैं कुमार श्याम, पॉपुलर यूट्यूबर, पॉलिटिकल कमेंटेटर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनुपम त्रिपाठी, एक सोशल एक्टिविस्ट और एक वकील, और आप देख रहे हैं फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया का यूट्यूब चैनल। मेरी संस्था फाइट फॉर एनिमल राइट्स इंडिया सोशल कॉजेज, एनवायरमेंटल कॉजेज और एनिमल राइट्स कॉजेज के लिए मुहिम, संघर्ष और लड़ाइयाँ लड़ती है। अंजना ओम कश्यप, जो कि आज तक एक प्रमुख एंकर है, वो किस तरह से सत्ता की गोदी में जाके बैठी है, किस तरह से वो भ्रष्ट हो चुकी है, किस तरह से वो बिक गई है, आज उनको मैं एक्सपोज करने की कोशिश करूंगा। और वास्तव में आपको लगेगा कि ये मीडिया वाले हमें और हमारे साथ, हमारे सरकारों के साथ, हमारे आदर्शों के साथ और हमारी भावनाओं के साथ किस तरह से खेलते हैं। दोस्तों, ये इस किस्म की वीडियोस अक्सर बनाते हैं और क्लेम करते हैं कि कन्वेंशनल मीडिया देखिए कैसे बिका हुआ है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुमार श्याम, एक और प्रोपेगेंडिस्ट जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं और कुछ पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के लिए वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कुछ पार्टीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एक किस्म के माइंडसेट के बिहाफ पे वो अभी सोशल मीडिया पे अपना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जोर शोर से फैला रहे हैं। ये मेरा आज का वीडियो कुमार श्याम, जो यूट्यूब क्रिएटर हैं जिनके करीब 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, जो उभरते आजकल आ रहे हैं एक ऑनलाइन सोशल मीडिया जर्नलिस्ट के तौर पे, पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं। इस वीडियो में दोस्तों आज मैं इन कुमार श्याम को एक्सपोज करूंगा। मैं आपको ये दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे, आप देखिए, ये प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं जो पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, बायस्ड पार्शियल प्रोपेगेंडा किसी एक पार्टी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और एक पॉलिटिकल माइंडसेट के बिहाफ पे ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। और हिंदुस्तान का यूथ इनको फॉलो करता है, सोचता है कि जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं, सच कह रहे हैं, निष्पक्ष कह रहे हैं, नॉन पार्टीजान कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। ऐसे एक इंसान है कुमार श्याम। तो आज जरा हम लोग कुमार श्याम को विस्तार से जरा समझते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको एक्सपोज करते हैं, इनकी सच्चाई जानते हैं। और आप सारे यूथ, एक बार ये वीडियो आपने देख ली पूरी, अंत तक इसको देख लिया, अपना कंक्लूजन आप लोग खुद ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद मेरा यही सुझाव होगा आप सब लोगों से कि देखिए, याद रखिए, वो कोई भी पॉलिटिकल कमेंटेटर, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या फॉर दैट मैटर रेगुलर जर्नलिस्ट जो कन्वेंशनल जर्नलिज्म में है, माने टीवी न्यूज चैनल वाला जर्नलिस्ट, अनलेस वो नॉन पार्टिजान हो, मतलब वो बायस ना हो, वो पार्शियल ना हो, अनलेस वो न्यूट्रल हो, नॉन पार्टिजान हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी, आउटफिट, आइडियोलॉजी, विचारधारा के की तरफ वो इंक्लाइन ना करता हो बल्कि न्यूट्रल रहता हो, अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वो एक जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट नहीं रहता है या पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं रहता है, वो एट बेस्ट एंड ओनली एक प्रोपेगेंडिस्ट बन के रह जाता है। आज ऐसे एक प्रोपेगेंडिस्ट को हम लोग एक्सपोज करेंगे। कुमार श्याम, आज कुमार श्याम का नंबर है, आज कुमार श्याम पे हमारा ये वीडियो है, उनको एक्सपोज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, कुमार श्याम है, ये कुछ आधे एक साल पहले सोशल मीडिया पे
एज अ पॉलिटिकल कमेंट्री इन्होंने शुरू करी और इन्होंने वीडियो बनाने शुरू किए। आजकल इन्होंने पूरा रायता फैला रखा है। इनकी करीब 78 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और इन 78 वीडियोस में आप अगर देखें तो ये आदमी पॉलिटिकल कमेंट्री करता है सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से। सेलेक्टिव थिंकिंग है इसकी, सेलेक्टिव इसकी प्रोपेगेंडा है। और सिर्फ आप देखेंगे इसकी सारी वीडियोस में ये भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार, मोदी जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, योगी जी, यूपी सरकार के पीछे हाथ धो के पड़े रहता है। इसकी 78 वीडियोस हैं जिनमें मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि उन 78 वीडियोस में से 30-35 प्लस वीडियोस इसने सिर्फ और सिर्फ बनाई हैं मोदी जी के अगेंस्ट, योगी जी के अगेंस्ट, भाजपा के अगेंस्ट, संघ के अगेंस्ट। और इसकी टोटल 78 वीडियोस में एक जिक्र UPA 2 का नहीं है, एक जिक्र UPA 1 का नहीं है, एक जिक्र कांग्रेस के अध्यक्ष और सुप्रीमो राहुल गांधी पे नहीं है, एक वीडियो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पे नहीं है। और सिर्फ इनकी सारी वीडियोस डेडिकेट होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, संघ के खिलाफ। ठीक है, तो इससे ये बात जाहिर होती है कि ये आदमी एक न्यूट्रल पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं है, ये एक जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि जर्नलिस्ट को न्यूट्रल होना चाहिए। ये एक प्रोपेगेंडिस्ट है जिसको या तो पीछे से फंडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है, लेकिन ये लगा हुआ है सिर्फ और सिर्फ भाजपा, मोदी जी, संघ के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, कि कैसे हर लाइट पे भारत सरकार को बुरा दिखाया जाए, मोदी जी को बुरा दिखाया जाए, भाजपा को बुरा दिखाया जाए, संघ परिवार को बुरा दिखाया जाए, योगी जी को बुरा दिखाया जाए, यूपी सरकार को बुरा दिखाया जाए। इनको और पूरे हिंदुस्तान में और बाकी किसी पार्टी में कुछ बुरा नहीं दिखता है, ना ये वैसा किसी विषय पे वीडियो कभी बनाते हैं। 78 वीडियोस में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इनके आप चैनल पे जाइएगा दोस्तों, अभी आपसे डिटेल मैं शेयर करूंगा, चैनल पे जाइएगा और देखेंगे 78 वीडियोस में एक वीडियो इस आदमी ने राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, UPA 1, UPA 2 पे नहीं बनाई है, एक नहीं बनाई है। और 300 वीडियोस हैं इनकी सिर्फ एंटाई मोदी, सिर्फ एंटाई बीजेपी, सिर्फ एंटाई संघ, सिर्फ एंटाई योगी। तो इसी के साथ दोस्तों, इनके 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आप सारे मेरे देश के वासियों, मेरा देश का यूथ, वो सारे हिंदुस्तान के लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंसान को पहचाने। एक एक करके हमने ये जिम्मा लिया है समाज सेवक के तौर पे कि ये जो प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं सोशल मीडिया पे और प्रोपेगेंडिस्ट्स हैं जो जर्नलिस्ट का भेष पहने हुए हैं कन्वेंशनल मीडिया में, एक एक करके हम सबको एक्सपोज करेंगे। ठीक है, मेरा सुझाव है ये कुमार श्याम को आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इस आदमी को ये मैसेज मेरा भेजिए कि प्रोपेगेंडिज्म छोड़ दे, प्रोपेगेंडा छोड़ दे, प्रोपेगेंडिस्ट होना छोड़ दे। अगर पॉलिटिकल कमेंट्री करनी है तो न्यूट्रल होके करे, जिसमें भाजपा, कांग्रेस, आप, लेफ्ट, राइट सब एक बराबर हो, एक ही नजरिए से वो सबको देखे, और सिर्फ नजरिया एक पॉइंट ऑफ व्यू से हो। उसको कहते हैं राइट रॉन्ग, ट्रूथ फॉल्सहुड। इस बेसिस पे अपनी वीडियो बनाएं और जानकारी दे जनता को, मैं भी उसको फॉलो करूंगा। नहीं तो ये बंद करें जो कर रहे हैं, नहीं भी बंद करना है लगाए रहें जो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा अपनी प्रीवियस वीडियो में कि 50,000 सब्सक्राइबर हों, कल इस आदमी के 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे। बिकॉज शिट अट्रैक्ट फ्लाइज, और कचरा बिकता है। बिग बॉस शो, एकता कपूर के सास बहू के सीरियल्स,
सोशल मीडिया में ये कैरी मिनाटी और ये क्या बीबी वाइन्स वगैरह की नौटंकी, ये सब कचरा बिकता है। लेकिन वो एंटरटेनर्स हैं, कम से कम वो कहते हैं कि हम एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये आदमी पॉलिटिकल कमेंट्री करता है, अपने को एज अ जर्नलिस्ट रिप्रेजेंट करता है और फिर ये प्रोपेगेंडा फैलाता है। और इसकी सारी वीडियो में बहुत वीडियोस हैं जिसमें ये कहता है कि ये देखिए गोदी मीडिया, ये देखिए फलाना मीडिया को मैंने एक्सपोज किया, मैंने इसको एक्सपोज किया, लेकिन वहां भी इनका सेलेक्टिव एक्सपोजर। ये कुछ मीडिया चैनल्स हैं जिनको अटैक करते हैं, कन्वेंशनल मीडिया चैनल्स कहते हैं भाजपा के साथ है, लेकिन उन चैनल्स को भूल जाते हैं जो शायद कांग्रेस के साथ है। ये डिसबैलेंस जो है ये गलत है। तो चलिए अब मैं इसके आगे समय आपका नहीं लूंगा, सीधे हम लोग एविडेंस पे मूव करते हैं। मैं दोस्तों आपको विस्तार से इनकी 30-35 वीडियोस के स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, हाँ इसके आगे, जिसमें आप खुद देख लीजिए 78 वीडियोस में ये 30-35 वीडियोस इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, यूपी सरकार, भारत सरकार के खिलाफ बनाई है। और सारे 78 वीडियोस में आप देख लीजिएगा, एक वीडियो ना कांग्रेस की है, ना UPA 1 UPA 2 की, ना राहुल गांधी की, ना अरविंद केजरीवाल की, ना आम आदमी पार्टी की, नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये संबित पात्रा जी बीजेपी के उनको एक्सपोज कर रहे हैं। ये देखिए दूसरी वीडियो, फिर संबित पात्रा जी के पीछे पड़ गए। ये देखिए आरएसएस एक्सपोज्ड। ये देखिए यहाँ योगी जी के पीछे पड़ गए। एक फेक इंटरव्यू है जो इन्होंने किया है, जिसमें योगी जी की बेइज्जती करी है। यहाँ पे इन्होंने ध्रुव राठी का सपोर्ट दिया, जो एक और प्रोपेगेंडिस्ट है। ये देखिए दोस्तों, ये आरएसएस के फिर पीछे पड़ गए। ये देखिए दोस्तों, ये सुधीर चौधरी जी न्यूज़ के पीछे पड़ गए। ये देखिए दोस्तों, मोदी जी के फिर पीछे पड़ गए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ये जस्टिस लोया में अमित शाह जी के पीछे पड़ गए। यहाँ पे देखिए, ये फिर पीछे पड़ गए कि कैसे यहाँ मोदी जी ने गड़बड़ करी। ये देखिए गाय भक्तों के पीछे पड़ गए। ये देखिए योगी जी के पीछे पड़ गए। ये देखिए फिर ये बीजेपी लीडर्स आर शेमलेस स्टेटमेंट एक्सेट्रा। ये फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं जो खुद प्रोपेगेंडिस्ट हैं। ये देखिए एबीवीपी के पीछे पड़ गए। ये देखिए दोस्तों, फिर मोदी की सरकार के पीछे पड़ गए। ये देखिए दोस्तों, फिर योगी जी के पीछे पड़ गए। ये देखिए दोस्तों, ये फेक न्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये खुद प्रोपेगेंडिस्ट हैं, फेक न्यूज़ की बात कर। ये देखिए बीजेपी एक्सपोज, फिर मोदी जी के पीछे पड़ गए। ये देखिए दोस्तों, अब ये फिर यहाँ पे योगी जी के पीछे पड़ गए। ये देखिए सर्जिकल स्ट्राइक तक पे ये सवाल उठा रहे हैं, अमित शाह जी के पीछे पड़ गए। ये देखिए अब ये रोहित सरदाना के पीछे पड़ गए, कहते हैं कि ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अब ये देखिए मोदी जी के फिर पीछे पड़ गए। ये देखिए फिर ये मोदी भक्तों के पीछे पड़ गए। ये देखिए फिर मोदी जी और अमित शाह जी के पीछे पड़ गए। ये देखिए फिर आरएसएस को इन्होंने एक्सपोज कर दिया, बेनकाब, ये अमित शाह जी के पीछे पड़ गए। ये देखिए फिर सुधीर चौधरी के पीछे पड़ गए। ये हैं दोस्तों कुमार श्याम। 78 वीडियोस में देख लीजिए, 35 वीडियोस इनकी किसके लिए थी। हाँ दोस्तों, तो देखा आपने, इनके करीब 30 से 35 स्क्रीनशॉट्स मैंने अभी शेयर किए हैं आपके साथ। ये इंसान है कुमार श्याम, 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं इनके यूट्यूब पे, अपने को पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं, जर्नलिस्ट बताते हैं, सोशल मीडिया जर्नलिस्ट हैं। अगर ये अपने को अपनी वीडियो में और अपने चैनल में कह दे कि भाई मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मैं एंटरटेनमेंट कर रहा हूँ या मैं स्पूफ बना रहा हूँ, तो चलेगा। कपिल शर्मा करते हैं, बीबी वाइंस करते हैं, कैरी मिनाटी करते हैं, ये भी कर सकते हैं। नहीं, अभी इसलिए नहीं चल रहेगा क्योंकि ये पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं, सीरियस कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है। और ये अपने को सोशल मीडिया पे एक जर्नलिस्ट की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं, ठीक है। अगर जर्नलिस्ट हैं, अगर एक्टिविस्ट हैं, अगर पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, तो इनको न्यूट्रलिटी की लाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये न्यूट्रल नहीं रह सकते हैं, अगर ये
कांग्रेस आम आदमी पार्टी की तरफ आकर्षित होते हैं, बीजेपी के खिलाफ रहते हैं, या बीजेपी के कल साथ रहते हैं और कांग्रेस के खिलाफ होते हैं। अगर न्यूट्रलिटी नहीं है, ये एक्सरसाइज करेंगे और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट की तरफ इनका झुकाव रहेगा, तो ये फिर जर्नलिस्ट नहीं है, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर नहीं है, ये एक्टिविस्ट नहीं है, ये क्या है दोस्तों? प्रोपेगेंडिस्ट है। तो इन प्रोपेगेंडिस्ट को आज आप लोग जान लीजिए, जिन्होंने इनको गलती से सब्सक्राइब किया हुआ जाके इनको कमेंट करें और बताएं तुम प्रोपेगेंडिस्ट हो, जर्नलिस्ट नहीं हो, ना पॉलिटिकल कमेंटेटर हो। या तो अपने चैनल के आगे एंटरटेनमेंट लगा दो और कहो कि मैं एंटरटेन कर रहा हूँ लोगों को, कमेंट्री नहीं कर रहा हूँ, ना मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, और नहीं तो न्यूट्रल हो जाओ, वरना आप लोग इनको अनसब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरा फर्स्ट ऑफ एक्सपोज वीडियो है अगेंस्ट दीज प्रोपेगेंडिस्ट जर्नलिस्ट। एक एक करके हम ये प्रोपेगेंडिस्ट जर्नलिस्ट, प्रोपेगेंडिस्ट एक्टिविस्ट, प्रोपेगेंडिस्ट कन्वेंशनल जर्नलिस्ट एंड न्यूज़ चैनल्स को एक्सपोज करना शुरू करेंगे, और मैं आश्वासन आपको देता हूँ कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो कांग्रेस वाले चैनल्स हैं और उनके जर्नलिस्ट हैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा, आम आदमी पार्टी वालों को भी नहीं छोड़ूंगा, भाजपा के भी जो हैं ये रिपब्लिक टीवी, अर्णब गोस्वामी वगैरह नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और शुरुआत मैंने कर दी है सोशल मीडिया प्रोपेगेंडिस्ट से। जो सोशल मीडिया जो कि आजकल उभरता हुआ एक प्लेटफॉर्म है, बहुत लोग ये यूट्यूब वगैरह देखते हैं, लाखों लोग जुड़ते हैं, तो ये सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, जो जर्नलिस्ट का भेस पहन के प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, उनको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सच्चाई तो यही है। चाहे बीजेपी की आईटी सेल हो, चाहे कांग्रेस की आईटी सेल हो, चाहे बीजेपी सपोर्टिंग मीडिया चैनल्स हो, चाहे कांग्रेस सपोर्टिंग मीडिया चैनल्स हो, गोदी मीडिया हो, चाहे प्रोपेगेंडिस्ट और सोशल मीडिया हो, ये सब गलत हैं, ये सब आपको गुमराह कर रहे हैं। इनमें से ना किसी को फॉलो करिए, ना किसी को देखिए, और भर भर के कमेंट करिए कि तुम प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, तुम न्यूट्रलिटी तुम्हारे में नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप अभी डिटेल में नहीं समझ पाए कि ये प्रोपेगेंडा और न्यूट्रलिटी वगैरह क्या होती है, एक्टिविज्म वर्सेस प्रोपेगेंडा क्या होता है, जर्नलिज्म वर्सेस प्रोपेगेंडा क्या होता है, तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करें, मेरी प्रीवियस वीडियो जिसपे मैंने ध्रुव राठी, एक और प्रोपेगेंडिस्ट हैं सोशल मीडिया पे, जिसपे मैंने पिछली वीडियो बनाई है, एक्सपोज तो नहीं उनको किया है वीडियो में, सिर्फ उनको एक सुझाव दिया है कि वो सुधर जाए, और आप लोगों को बताया है कि वो भी प्रोपेगेंडिस्ट है लेकिन एक्सपोज उनको नहीं किया है। अगर वो नहीं सुधार लाते हैं तो महीने भर में उन पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, उनको एक्सपोज करूंगा। बट मेरा मानना है कि वो ठीक ठाक इंसान हैं, अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद वो सुधर जाएंगे और प्रोपेगेंडा छोड़ के न्यूट्रलिटी की लाइन फॉलो करेंगे और असली जर्नलिज्म को फॉलो करेंगे। इसी के साथ दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे 1200 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको ये एक्सपोजर अच्छा लगा हो, एक प्रोपेगेंडिस्ट को जो मैंने खुल के कॉल आउट किया है और कहा ये आदमी प्रोपेगेंडिस्ट है, जर्नलिस्ट नहीं है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, ना पसंद आए डिसलाइक कर दीजिएगा। मेरे 1200 सब्सक्राइबर्स हैं, पसंद वीडियो आ गया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊंगा, और ये जितने प्रोपेगेंडिस्ट और ये हैं, चाहे कन्वेंशनल मीडिया में चाहे सोशल मीडिया में, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको एक्सपोज करूंगा। तो आप लोग फॉलो करते रहिए, इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, और नहीं पसंद आया हो तो ना सब्सक्राइब करिए भाई, क्योंकि देखिए सच्चाई ये है, 130 करोड़ की जनता है यहाँ, ये वही देश है जहाँ फूलन देवी MP बन जाती हैं, लालू जी जो हैं CM बन जाते हैं, प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखते हैं, और कैरी मिनाटी के 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ये कुमार श्याम के 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं। तो ये नंबर मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो सच है वो सच ही रहता है, भले ही उसके 1 या 2 सब्सक्राइबर या फॉलोअर भी ना हो, और जो सही है वो भी सही ही रहता है, भले ही उसके 130 करोड़ फॉलोअर हो या नहीं हो। चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद।